15 सितंबर से यूएई में एशिया कप खेला जाएगा। 6 देशों के इस टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अलावा एक क्वालिफाइड टीम भी खेलेगी। मगर एशिया कप के लिए जो भारतीय टीम फाइनल हुई है वो चौंकाने वाली है। हालांकि टीम का चयन तो 1 सितंबर को होना है, लेकिन बीसीसीआई सूत्रों से मिली कंफर्म खबर के मुताबिक कुछ खिलाड़ियों को बाहर किया जाना तय हो गया है, तो कुछ बड़े खिलाड़ी टीम में वापसी करेंगे। एशिया कप में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ही होंगे, तो उप कप्तानी की जिम्मेदारी रोहित शर्मा को ही मिलेगी। रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज होंगे, जबकि केएल राहुल तीसरे और बैकअप ओपनर के तौर पर टीम में रहेंगे। मध्यम क्रम में टीम इंडिया के लिए 3 बड़े और धाकड़ खिलाड़ियों की एंट्री होगी। मनीष पांडे ने ऑस्ट्रेलिया ए और साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ 673 की औसत से रन बनाए हैं, तो उनका टीम में चुना जाना तय है, यानी मनीष पांडे की टीम में वापसी होगी। उधर चोट के बाद ठीक हो चुके केदार जाधव की भी टीम में वापसी होना तय है। इसके अलावा इंग्लैंड में टेस्ट टीम में विकेट कीपर की भूमिका निभा रहे ऋषभ पंत की भी एक बार फिर वनडे टीम में वापसी होगी। इनके अलावा महेंद्र सिंह धोनी के रूप में टीम में रेगुलर विकेट कीपर तो होंगे ही, हार्दिक पांड्या निचले क्रम पर ऑलराउंडर के रूप में टीम में चुने जाएंगे। यानी इस टीम में दिनेश कार्तिक के लिए कोई जगह नहीं है। दिनेश कार्तिक चोटिल हैं और उन्हें एशिया कप में नहीं चुना जाएगा, ये पक्का है। यही नहीं, सुरेश रैना को भी टीम से बाहर किया जा सकता है, जो इंग्लैंड में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए थे। अब बात करें गेंदबाजों की, तो भुवनेश्वर कुमार फिट हो चुके हैं, लिहाजा भुवी और जसप्रीत बुमराह मोहम्मद शमी और उमेश यादव के साथ तेज गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे। तो वहीं कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल स्पिन विभाग में अपनी कमान दिखाएंगे। तीसरे स्पिनर के रूप में अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर में से किसी एक को चुना जाएगा। तो ये है एशिया कप के लिए संभावित टीम, जिसका ऐलान 1 सितंबर को होगा। टीम को लेकर आप भी अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।